कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया है, हमें मालूम है घोषणा पत्र में वही चीज़ें हैं जो वादे ये करेंगे वो करेंगे, उन सारी चीज़ों को कोई भी गंभीरता से नहीं ले रहा है। देखिए प्रधानमंत्री जी ने आज एक बहुत बड़ी जनसभा को यहाँ सुंदरनगर में संबोधित किया है और मुझे इस बात की खुशी है जिस तरह से उनने हिमाचल के हर व्यक्ति से अपने आप को कनेक्ट किया, भावनाओं को व्यक्त किया, उस तरह से शायद ही किसी प्रधानमंत्री जी ने हिमाचल के लोगों से अपील की है। प्रधानमंत्री जी ने विशेष तौर से जो बात कही है, सरकार मजबूत हो, सरकार केंद्र के साथ चलने वाली हो, ताकि जो हिमाचल के विकास के लिए मेरे मन में मेरे दिल में जो बहुत सारी चीज़ें अभी तक हैं जिनको हम आपको देना चाह रहे हैं, हिमाचल के लिए करना चाह रहे हैं, उनको हम पूरा कर सकें। और आने वाले समय में हिमाचल के लिए जो केंद्र की ओर से सहयोग के लिए बड़े बड़े प्लान्स हैं उन प्लान्स को एग्जीक्यूट कर सके सरकार ऐसी चाहिए, वो भाजपा की ही हो सकती है। इसलिए कांग्रेस के झांसे में बताइए, जिस प्रकार से उनने प्रधानमंत्री आवास योजना का जिक्र किया, यानी कि केंद्र सरकार की योजना, पैसा प्रदेश का कोई नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी केंद्र की योजना इसलिए लागू नहीं करनी क्योंकि ये नरेंद्र मोदी जी को श्रेय जाएगा, इसलिए योजना को छोड़ दिया। और उन्होंने मकान का जिक्र किया, कितने 18 मकान का जिक्र किया, 15 मकान का जिक्र किया। और यहाँ हमने जब हमारी सरकार आई तो 8,000 मकान तो बन करके तैयार हो गया, लेकिन 10,000 के लिए हमने स्वीकृति दे दी है और 10,000 मकान बनेंगे। ये अंतर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार का है। और उन्होंने बखूबी एक एक चीज़ को कहा कि कोई आदमी मरीज होता तो आज एक दवाई दे दी, कल दूसरी दे दी, उसके बाद तीसरी दे दी, उस तरह से उसका ट्रीटमेंट नहीं होगा, स्वास्थ्य उसका खराब हो जाएगा और ज़्यादा खराब होगा। ऐसे में एक जो पूरा ट्रीटमेंट का जो हिमाचल के लिए उन्होंने कहा कि जो इस तरह से करने की ज़रूरत है, उसके लिए एक ही रास्ता है कि स्थायी सरकार, लंबे समय के लिए काम करने का अवसर, और वो भारतीय जनता पार्टी को आप दीजिए और हिमाचल के लिए जो मेरे मन में जो बहुत सारी चीज़ें देने के लिए हैं उनको हम देंगे। कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया है, हमें मालूम है घोषणा पत्र में वही चीज़ें हैं जो वादे ये करेंगे वो करेंगे, उन सारी चीज़ों को कोई भी गंभीरता से नहीं ले रहा है। इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि वो घोषणा पत्र कांग्रेस पार्टी का है, हर चुनाव में आता है और चुनाव के बाद उसका मालूम ही नहीं होता कहाँ रखा है, ना उन्हें मालूम होता है ना लोग भी पूछते। बड़ी दिलचस्प बात ये भी है क्योंकि जो वादे किए पूरे तो किए नहीं, और पूरे करने के लिए उनका बड़ा साफ मानना है कि पूरे करने के लिए होते नहीं है वादे, वो चुनाव जीतने के लिए होती है, सत्ता को हासिल करने के लिए होती है। तो इसलिए जो भी उन्होंने वादे किए हैं, जो भी उन्होंने आज घोषणा की है अपने घोषणा पत्र के माध्यम से, वो एक महज एक लोगों को गुमराह करने का एक तरीका है, जिसके कारण हिमाचल प्रदेश में सत्ता हासिल हो ये उनके एकमात्र लक्ष्य है, लेकिन वो सत्ता उनको नहीं मिलेगी, ये बात पक्की है। बुडमल ज्वेलर्स पालमपुर, भरोसा उम्र भर का।